आज हमारे पास है एप्पल के ईयरपॉड्स हेडफोन प्लग। सुना है इसका माइक बहुत अच्छा है, कैसे लग रहा है? आप अभी इतने देर से इसी से आवाज सुन रहे थे? हाँ, ये बॉक्स के बाहर है और मैंने इसे 3 months पहले ही अनबॉक्स कर लिया था क्योंकि मुझे एक ऐसा लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो बनाना था। तो 3 months से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है। इसके जो ईयरबड्स है ना, ये हाफ इन ईयर हेडफोन्स है जो मेरे छोटे से कानों में कंफर्टेबली जाते हैं, लेकिन जब मेरा भाई इसे यूज करता है ना तो उसे लॉन्ग टाइम वेयर के बाद ना उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। फिर भी हम दोनों इसे लगातार यूज कर रहे हैं। क्यों? साउंड क्वालिटी एंड बैलेंस। इसका साउंड बहुत सूथिंग है और सॉफ्ट है। ईयर ड्रम्स का सब ऐसा नहीं लगता कि कान में आके कुछ हार्श इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है। आई एम एन हार्ड कोर म्यूजिक लवर, तो जब भी मैं इससे म्यूजिक सुनता हूँ ना तो इसका जो बेस है वो बहुत डीप है, वोकल्स क्रिस्टल क्लियर है। ऐसा लगता है कि एक डायनामिक ऐसा सराउंड साउंड जैसा क्रिएट हुआ है और सब ऐसे अलाइव फील होता है। लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड है वो थोड़ा सा बूस्टेड है, एकदम हार्श नहीं है जो कान के अंदर बस ऐसे लाउड वॉल्यूम में कुछ तो बज रहा है, ऐसा बैलेंस्ड जैसा एक फील होता है। और अगर मैं सैमसंग के मोबाइल के साथ सुनूँ तो उसमें डॉल्बी एटमॉस और एडॉप्ट साउंड टू यू का जो फीचर है उससे कैलिब्रेट किया से ऐसे ऐसा लगता है कि मैं किसी और वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ। हाँ, मैंने सैमसंग बोला, ये एप्पल के कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स में से होंगे जो एंड्रॉइड्स के साथ भी काम करते हैं। इसमें 2 options है, लाइटनिंग पोर्ट और ये 3.5mm जैक। अगर तुम्हारे पास मेरे जैसे मल्टीपल डिवाइसेस है तो आई रिकमेंड कि तुम ये 3.5mm जैक वाला लो और आईफोन के लिए तुम लोगों को कन्वर्टर ले लो, विच विल ऑब्वियसली इंक्रीज द प्राइस, बट ये सेम ईयरफोन्स तुम यूनिवर्सली सब डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो। और यहीं पर सेम जगह पर ना बटन्स हैं, एक मीडिया प्ले पास का बटन है और एक वॉल्यूम अप और डाउन का बटन है जो एप्पल डिवाइसेस में काम करते हैं और एंड्रॉयड में बस प्ले पॉज होता है, वॉल्यूम एडजस्ट नहीं होता। ये इसका एक वायर होल्डर टाइप है, इससे तुम लोग ऐसे ऐसे और ऐसे पास करा सकते हो ऐसे हेडफोन्स, पता नहीं इसका क्या करना होता है। लेकिन इसके वजह से क्या होता है पता है, अगर ऐसे हेडफोन्स यहाँ पर है और ऐसे खींचे गए तो ये निकल जाता है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ से होता था तो वायर डैमेज होता था। तो एप्पल के पास डिज़ाइन स्ट्रैटेजी तो अच्छी है। और थोड़ा नीचे उस वायर पर सीरियल नंबर प्रिंटेड है जिससे तुम तुम्हारे हेडफोन्स के ऊपर 1 साल का वारंटी अगर कुछ भी हो जाए तो क्लेम कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो कि ये हेडफोन्स जो तुमने खरीदे वो ओरिजिनल बायर से खरीदे कि नहीं। मैंने तुम्हारा काम आसान करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, तो वो सेलर मैंने चेक करके रखा है कि वो ओरिजिनल एप्पल के प्रोडक्ट्स ही घर बेचता है, तो अगर चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में से तुम लोग चेक कर सकते हो। इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी वीक फील हो रही थी इसलिए मैंने अमेजोन से ये 70 rupees में मंगाया। 70 rupees में मुझे 12 वायर प्रोटेक्टर मिले। मेरा खुद ही के साथ कॉन्फ्लिक्ट है यार, इतना यूज़ के बाद भी ये है वैसा ही है लेकिन जब मैं इसे हाथ में ले रहा हूँ तो फील चीप हो रहा है, तो मुझे पता नहीं इसको क्या बोलना है, अच्छा बोलना है कि बुरा बोलना है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल रिव्यू दूँ तो 3 months के बाद भी ये अभी तक है वैसा ही है। थोड़ा सा रफ यूज़ करता हूँ मैं भी इसे, लेकिन एकदम घटिया जैसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो शायद अच्छे से चल जाएंगे आपके भी। मैं तुम लोगों को इसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ, एक बार सुन के देखो। मुझे इस हेडफोन्स के बारे में क्या लगता है पता है, अगर आप मेरे जैसे एक बहुत म्यूजिक लवर हो या फिर आपके टीम्स पर ऑनलाइन ऑफिसेस में बहुत मीटिंग्स होती है तो इसे खरीद कर तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे। इसका साउंड बहुत सही फील होता है, ऐसा प्रीमियम साउंड फील होता है यार। लेकिन इसके साउंड में क्या प्रॉब्लम थी पता है, अगर इसे ज़्यादा लाउड करेंगे ना तो इसमें से थोड़ा सा आवाज़ ऐसे बाहर आता है। और इसका माइक का क्वालिटी तो मैं तो कभी कभी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोज़ के इस माइक्रोफोन से, इतना अच्छा इसका माइक्रोफोन है। हाफ इन ईयर डिज़ाइन ना लॉन्ग टर्म वेयरिंग के लिए होता है और जो इन ईयर वाले आते हैं ना वो नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए होते हैं। क्योंकि मैं दिन में 5-6 hours लगातार ईयरफोन्स यूज़ कर रहा रहता हूँ तो मुझे लॉन्ग टर्म वेयरिंग के लिए चाहिए थे, तो इसलिए मैंने हाफ इन ईयर वाले लिए। और बहुत कम कंपनीज है पता है जो हाफ इन ईयर वाले हेडफोन सही से बना रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई एप्पल फैन हूँ इसलिए मैंने ये खरीदे। मैंने सब ट्राई किया, जितने ऑप्शंस मैं कर सकता था मैंने ट्राई किए। मैंने इससे पहले बोट के ट्राई कर लिए, उसका आवाज़ ऐसे दबा दबा था। उसके पहले मैं जेब्रोनिक्स के यूज़ कर रहा था, उससे तो कान के अंदर करंट लग रहा था, शायद ऐसा वायर कुछ बाहर आया था, मैंने मंगाया ऐसे कान में डाला, कान में करंट लग रहा था। और उसके बाद जो थे वो मेरे फेवरेट थे, पोल्ट्रॉनिक्स का कॉन्च बेटा, ओहो उसका क्या साउंड था पता है। बट उसका जो बिल्ड क्वालिटी था ना वो यहाँ से बहुत कमज़ोर था। वो मैंने 2 खरीदे और बाद में पता चल गया था कि मेरे हेडफोन्स के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, तो मैंने सोचा फाइनली अब ये वाले ले लेते हैं। एंड इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, कुछ 5-6 साल पहले ये ईयरफोन्स बन रहे थे लेकिन आज भी बॉक्स खोलते टाइम सेटिस्फैक्शन था, ऐसा लग रहा था कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट अनबॉक्स कर रहे। फील आया, मस्त लगा सर अनबॉक्स खोल के इसका।
तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, 3.5 mm जैक और आईफोन का साथ भी, और कन्वर्टर भी डाल दूंगा, आपको जैसे चाहिए वैसे ले लेना। और ये 70 rupees वालों का भी मैं लिंक डाल दूंगा। अगर हेडफोन्स के साथ मंगाओगे तो इसकी डिलीवरी फ्री आ जाएगी, नहीं तो इसकी तो अगर सिर्फ ये मंगाने जाओगे तो कुछ डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। वायर्ड हेडफोन्स में मैंने इसे अपने प्राइमरी हेडफोन्स बना लिए। अगर तुमने इसे ट्राई किया है या फिर ट्राई करने वाले हो तो खरीद के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका साउंड और माइक तुम्हें कैसा लग रहा है। और वायरलेस ईयरफोन्स में मैं बोट के एटम 50 यूज कर रहा हूँ, उसका साउंड वगैरह बहुत मस्त है, तुम यहाँ पर वीडियो चेक कर सकते हो। तो वायर्ड में एप्पल और वायरलेस में बोट एटम 51, मुझे मेरे बेस्ट ईयरफोन्स मिल गए। बाय बाय।